इधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 से 10 अगस्त के बीच चर्चा होगी। बताया ये जा रहा है कि 8 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और 10 तारीख को सुबह प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। आंकड़ों के हिसाब से विपक्ष का प्रस्ताव गिरना तय है, लेकिन वो इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर पर सत्ता की खामोशी के खिलाफ संसद से सड़क तक हंगामा खड़ा कर रहे विपक्षी दलों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तो दे दिया। लोकसभा स्पीकर ने नोटिस कबूल भी कर लिया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष की शंका बढ़ गई। लेकिन अब इस पर चर्चा की तारीख भी तय हो गई है। लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया कि लोकसभा में 8 से 10 अगस्त के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। आखिरी दिन पीएम मोदी विपक्ष के आरोपों और सवालों का जवाब देंगे। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इस फैसले को खारिज कर दिया। भारत राष्ट्रीय समिति ने भी इसका बहिष्कार किया। सबकी मांग यही थी कि सदन को तुरंत इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष बहुमत का बाहुबल दिखा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव को बेमानी बनाते हुए अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। कि सदन जब खत्म होने की कगार पे आएगी उसी समय ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सारे अविश्वास प्रस्ताव के चलते जो चर्चा हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं इसको ठुकराने की नया एक तरीका अपनाए जा रहे हैं। इसलिए स्पीकर साहब से कोई शिकायत नहीं, हमारे स्पीकर साहब हमारे अविश्वास प्रस्ताव को मान्यता दी थी, इसलिए स्पीकर साहब से हम ये मांग करके आए हैं कि स्पीकर साहब हमारे अधिकार से हमें वंचित ना करें। ऊपरी तह पर जब कोई देखता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद इन लोगों ने ठीक से पढ़ाई नहीं किया या इनके पास जानकारी कम है, जानकारी का अभाव है, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानती हूँ अच्छी तरह कि ये लोग इतने लंबे समय तक शासकीय व्यवस्था में रहे हैं और इतने लंबे समय तक इन्होंने दिल्ली ही नहीं देश भी चलाया है, तो ये अवगत नहीं है नियम कानून से तो मैं नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ मिसलीड कर रहे हैं, दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार के अस्तित्व को ही चुनौती मिली हुई है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए, सब्सटेंटिव मोशन पास नहीं होना चाहिए। ये न केवल अनकन्वेंशनल है लेकिन साथ साथ इलीगल भी है। सदन की बहस के दौरान भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के सदस्य लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त के बीच चर्चा होगी। 8 तारीख को प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 9 अगस्त को भी ये जारी रहेगी और फिर 10 अगस्त को प्रधानमंत्री विपक्ष के तमाम आरोपों और सवालों का जवाब देंगे। हालांकि विपक्षी दलों के तमाम आरोपों के बावजूद सत्ता पक्ष सदन में अपने संख्या बल को लेकर निश्चिंत है, क्योंकि सरकार को सदन में पहले से ही पर्याप्त बहुमत है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन की पार्टी YRSCP तो पहले से ही केंद्र के साथ खड़ी है और अब उसे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का भी समर्थन हासिल हो गया है। लगता है पूरे देश के हर नागरिक को पता है कि हमारे पास 350 से अधिक, 2/3 से अधिक की मेजॉरिटी है, संख्या हमारे साथ है, तो स्वाभाविक रूप से वो तो स्पीकर का प्रियोरिटेटिव है, स्पीकर तय करेंगे, उस दिन चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि बाकी कार्रवाई रुक जाती है, ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई प्रावधान। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिसे 26 जुलाई को स्वीकार किया गया था। नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर 10 कामकाजी दिन के भीतर चर्चा करानी होती है, इस लिहाज से स्पीकर के पास समय था। लेकिन इस बीच विपक्ष के नेताओं ने भी लोकसभा की प्राथमिकता और नियमों का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जब अविश्वास प्रस्ताव दिया गया तो पहली प्राथमिकता उसे दी जानी चाहिए। विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी ये तय हो गया है, लेकिन विपक्ष को भी मालूम है कि इसका हश्र क्या होगा। जाहिर तौर पे विपक्ष का नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरेगा और इसलिए सरकार निश्चिंत दिखती है, लेकिन विपक्ष इसके जरिए परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहा है और ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि उसकी जो टीम इंडिया है वो मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट खड़ी है। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली।